दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको दुर्गा अष्टमी की बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी की। माता महागौरी आप पर कृपा करें, कृपा बनाए रखें। दोस्तों आज रात को 9 बजे करीब हम लोग निकले बाबई के लिए। बाबई होशंगाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ माता महाकाली का एक मठ है, बहुत पुराना मठ। 1988 में माता महाकाली की स्थापना की गई थी यहाँ। लगभग 30-32 साल पुराना मठ है और माता महाकाली की पूजन अर्चन तब से लगातार चल रही है। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, किंतु नवरात्रि में आना कभी नहीं हुआ। नवरात्रि में पहली बार आया हूँ और वाकई रात्रि में आया हूँ। 10:30 बज रहे हैं रात के और नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। यहाँ 5 बाबा लोकदेव, ग्वाल बाबा, जिंद बाबा, गुरुआ बाबा, इस तरह 5 बाबा का स्थान 1988 से पहले से है, उनके भी हम दर्शन करेंगे। और भी लोकदेव यहाँ विराजमान है, लोक संतों के यहाँ स्थान हैं, उन सभी तक हम पहुँचेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले दर्शन करते हैं माता महाकाली के। जी जी, 89 में इसकी स्थापना हुई माता जी की। फिर यहाँ पर बहुत ही मेला वगैरह लगता है। अच्छा जी, हाँ 88-89 में जी माता की स्थापना हुई है। और यहाँ कितने देवी देवता विराजमान है, बहुत सारे मंदिर यहाँ करीबन माता को लगा करके 51-52 जी। हर हर महादेव शंभु। मुख्य है यहाँ पर पहले से खेड़ापति मंदिर, बौरी माता, ग्वाल बाबा, सिद्ध महाराज, बागल बाबा, ये स्थान थे पहले। ये स्थान पहले थे, पहले देवी जी के, पहले देवी जी के समय से, कि देवी जी के पहले पहले थे देवी जी के, पहले भी यहाँ पर पहले जंगल था। अच्छा। फार्म के मैनेजर साहब थे, उनके द्वारा किया गया था। अच्छा। जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, महाकाली देव्यै नमो नमः। महाकाली मठ बाबई में महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली तीनों देवियां विराजमान हैं। पागल बाबा, पागल बाबा, सिद्ध बाबा, गौरी माता, खेड़पति मैया, इनका स्थान पहले पहले से था, तो बाद में महाकाली विराजमान जी। अच्छा, तब से यहाँ नियमित पूजा हो रही है। जी, नियमित पूजा हो रही है। दोनों नवरात्रि में तो बिल्कुल मेला लगता है जी। अभी रात के 10:30 करीब बज रहे हैं, पर उसके बाद भी अच्छी खासी भीड़ है। इसी 11 बजे तक भीड़ रहती है। यहाँ पर यह मंत्र लिखा हुआ है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्महे। हमारे बच्चा ट्रैक्टर के उसमें आ गया था, ट्रैक्टर में हाँ जी। अच्छा, तो एक माता राम बोली कि बोले आप उसको काली मंदिर ले जाइए। हाँ जी, तो वो लेकर के यहाँ नहीं आ पाए, भोपाल में एडमिट किया उनको, तो वहाँ बाटल वगैरह लगी, तो ज़्यादा समय हो गया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, वहाँ से वो लोग फिर यहाँ लेकर के आए उसको। अच्छा जी, अस्पताल से लेकर के आए। हाँ। बाटल लगी लगाए। अच्छा, फिर वहाँ पर मंदिर बंद था, मैं ऑफिस गया था उस समय, फिर वो आए तो उनके पिताजी गए ऑफिस, माताजी पैर धोने के लिए टंकी पास गई, बच्चा शटर के पास लेटा हुआ। अच्छा जी। हाँ। तो माताजी तो उधर गई उनकी पैर धोने, बच्चा शटर चढ़ करके घंटी बजा रहा। बहुत
माता जी लोग लेके आए। हाँ माता जी देखी कि बच्चा कहाँ गया तो वो घंटी बजा रहे हैं। हम पुरानी बात है जो हो गए कम 20-25 साल। हाँ नवग्रह मंदिर ये पुराना स्थान है खेड़ापति माता का। मंदिर की स्थापना के काली जी की स्थापना के पहले का स्थान है ये। पागल बाबा का स्थान ये भी पुराना स्थान है। ग्वाल बाबा विराजमान हैं नीम के नीचे और इनके पीछे बैठे हैं सिद्ध बाबा पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये जो पांच स्थान हमने देखे ये पांचों स्थान महाकाली प्रतिष्ठा के पहले के मतलब 1988 के पहले के स्थान है, पुराने स्थान हैं। ये दोनों वृक्ष लगे लगाए ये सभी देवी देवताओं के भांजे कहलाते हैं। एक बाबा इनका नाम नहीं लिया जाता, मूलजी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों नहीं लेते हैं इनका नाम? अच्छा ऐसी कोई जानकारी नहीं क्यों नहीं लेते हैं। ये भी हमारे एक लोक देवता हैं बंसावरी बाबा। हरदोल बाबा का स्थान भी है दूल्हा देव जी का। ये गुरुआ बाबा का स्थान है नाग देवता जोड़े से विराजमान। ये हैं बागदेव बाबा और उजाड़मल बाबा। जय हो भीलड़ देव की। भगवान शिव के अवतरित भगवान भीलड़ देव रेलन और मैदा इनके माता पिता दे ये पंचम देव है भीलड़ के पांचों भाई। अच्छा भीलड़ देव जी सीलड़ देव जी पंचम देव जी काला देव जी। अच्छा। नील देव जी ये सीलड़ देव जी। जी हाँ ये काला देव जी। जी ये आप काला देव हैं। ये भीलड़ बाबा के भाई हैं चारों। हाँ पांचों भाई हैं। पांच भाई थे भीलड़। जी जी पांच भाई काला देव जी सीलड़ देव जी भीलड़ देव जी। जी पंचम देव जी और नील। और नील देव। हाँ बहुत जय हो सब परिवार के। इनको नाग अवतार भी कहा गया है। नाग अवतार भी। जी हाँ शिव जी के नाग अवतार से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी बहुत बढ़िया। ये धुना काफी समय से जल रहा है। बहुत सुंदर प्रतिमा लक्ष्मी नारायण जी की। जय हो वीर बजरंगबली महाराज की। साईं बाबा लाल भैरव बाबा। भैरव बाबा आपने देखे होंगे पर लाल भैरव बाबा के दर्शन शायद पहली बार कर रहे होंगे। नमामि देवी नर्मदे। जय हो जिंद बाबा की। ओम महाकालाय नमः। जय माता दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा कौन सा स्थान लगा? मैंने बहुत सारे हमारे लोक देवताओं के स्थान आपको बताए। कमेंट करके बताइएगा इनमें से किन किन लोक देवताओं के बारे में आपने सुना है या आप जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।